हेलो एवरीवन, मैं चेतन स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेट फास्ट इंग्लिश क्लब पे। आज का हमारा स्पोकन इंग्लिश का टॉपिक है हमारे अपर बेसिक लेवल में इज एम आर एबल टू। आज का हमारा स्पोकन इंग्लिश का टॉपिक है यूज ऑफ इज एम आर एबल टू, इसका हमें यूज सीखना है। गाइज, स्टेट फास्ट इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट में बेसिक बैच में तीन लेवल है, बेसिक, अपर बेसिक, स्टैंडर्ड। आज का हमारा जो टॉपिक है इज एम आर एबल टू, ये हमारे अपर बेसिक लेवल का टॉपिक है, इसका आपको यूज सीखना है। सो गाइस, इज एम आर एबल टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये शो करता है हमारी एबिलिटीज। इसका डेफिनेशन होता है द वर्क दैट वी आर एबल टू डू, द वर्क वी आर एबल टू डू। स्ट्रक्चर होगा इसका आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट और एनी नेम, ये सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। इज एम आर एबल टू, आई के साथ एम, यू देवी के साथ आर, ही शी एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, और सभी के साथ यूज होगा एबल टू। तो सेंटेंस होगा द वर्क विच आई एम एबल टू डू, यू आर एबल टू डू, दे आर एबल टू डू, वी आर एबल टू डू, ही इज एबल टू डू, शी इज एबल टू डू, इट और एनी नेम। सो गाइस, इज एम आर एबल टू यूज होता है वो काम जो आपको करना आता है या फिर आप कर लेते हो या फिर कर पाते हो। जैसे आई एम अ टीचर, मुझे पढ़ाना आता है, मैं पढ़ा लेता हूँ, तो सेंटेंस होगा आई एम एबल टू टीच इंग्लिश, आई एम एबल टू टीच। जैसे मुझे बाइक चलाना भी आती है, सेंटेंस होगा आई एम एबल टू राइड अ बाइक, आई एम एबल टू राइड बाइक। वन मोर एग्जाम्पल, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ। इन द सेम वे आई एम एबल टू रन, आई एम एबल टू रन, मैं दौड़ पाता हूँ या फिर मैं दौड़ लेता हूँ। ये सारी मेरी क्या है, एबिलिटीज़ है, वो काम जो मैं अच्छे से कर लेता हूँ या फिर कर पाता हूँ। अगर मैं मेरे फ्रेंड की बात करूं तो ही इज़ एबल टू ड्राइव अ कार, मेरा दोस्त ड्राइव कार पाता है। अगर आपको भी कार चलाना आती है तो आपका सेंटेंस होगा आई एम एबल टू ड्राइव अ कार, आई एम एबल टू ड्राइव अ कार। तो गाइस, इज एम आर एबल टू यूज़ होता है द वर्क दैट वी आर एबल टू डू। मैं कुछ और इसके ओरल सेंटेंसेस बोल के बता रहा हूँ। आई एम अ टीचर, आई एम एबल टू टीच इंग्लिश, टीचिंग इज माई पैशन, टीचिंग मेरा पैशन है, मेरा इंटरेस्ट है, आई एम एबल टू टीच होल डे, आई एम एबल टू टीच होल डे। एज वेल एज आई एम एबल टू अवेक होल नाइट, आई एम एबल टू अवेक होल नाइट, आई एम एबल टू रीड इंग्लिश न्यूज़ पेपर, आई एम एबल टू रीड इंग्लिश न्यूज़ पेपर। इन स्पोर्ट आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट, आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट, आई एम एबल टू प्ले फुटबॉल ऑल्सो, आई एम एबल टू प्ले फुटबॉल ऑल्सो। इन कुकिंग, कुकिंग में बहुत कुछ ज़्यादा तो नहीं आता मुझे, बट आई एम एबल टू प्रिपेयर टी, आई एम एबल टू प्रिपेयर टी। इन वेजिटेबल, आई एम एबल टू प्रिपेयर लेडी फिंगर वेजिटेबल, आई एम एबल टू प्रिपेयर लेडी फिंगर वेजिटेबल, क्योंकि वो मेरी फेवरेट है तो वो मैं बनाना जानता हूँ, वो मुझे बनाना आती है। तो ये वो सब काम थे जो मुझे कर पाता हूँ, मैं कर लेता हूँ। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप कौन कौन सा काम कर पाते हैं। अगर आपको बाइक चलाना आती है तो सेंटेंस होगा I am able to ride a bike, I am able to ride bike। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस, द वर्क दैट वी आर नॉट एबल टू डू, द वर्क विच वी आर नॉट एबल टू डू, ऐसा वो काम जो हम नहीं कर पाते हैं। द वर्क विच आई ain't able to do, यू aren't able to do, दे aren't able to do, वी aren't able to do, ही isn't able to do, शी isn't able to do। am not का शॉर्ट फॉर्म होता है ain't, are not का शॉर्ट फॉर्म होता है aren't, और is not का शॉर्ट फॉर्म होता है isn't। आई नो गाइज, रिटन इंग्लिश में फॉर फॉर्म यूज़ होते हैं और स्पोकन में शॉर्ट फॉर्म यूज़ होते हैं। तो अब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसे आई ain't एबल टू ड्राइव कार वेरी फास्ट, आई ain't एबल टू ड्राइव कार वेरी फास्ट, मैं कार को फास्ट नहीं चला पाता हूँ, उसे फास्ट ड्राइव नहीं कर पाता हूँ। आई ain't एबल टू कुक फूड वेरी डिलीशियस, मैं बहुत स्वादिष्ट भोजन नहीं बना पाता हूँ, कोशिश करता हूँ बट नहीं कर पाता हूँ। नेक्स्ट I'm not able to, या फिर I ain't able to dance very well, I ain't able to dance very well, means मैं अच्छे से dance नहीं कर पाता हूँ। और क्या नहीं कर पाता हूँ मैं, I ain't able to study whole night, मैं रात भर पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, ना I'm a teacher, not student। So this is guys, ये मेरे negative sentence थे, वो काम जो मैं नहीं कर पाता हूँ। जैसे अगर आप कार चलाना नहीं जानते हैं, अगर आप ड्राइविंग नहीं जानते हैं या फिर आपको कार चलाना नहीं आती है, तो आपका सेंटेंस नीचे कमेंट बॉक्स में होगा आई ain't एबल टू ड्राइव अ कार,
आई एंट एबल टू ड्राइव अ कार। अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, कोशिश बहुत करते हैं बट नहीं कर पाते हैं, तो आपका सेंटेंस होगा आई एंट एबल टू कन्विंस माई पेरेंट्स, आई एंट एबल टू कन्विंस माई पेरेंट्स। इसी तरीके से अगर आप रात भर नहीं जाग पाते हो, कोशिश बहुत करते हो फिर भी नहीं जाग पाते हो, तो जागने को बोलते हैं अवेक, तो आपका सेंटेंस होगा आई एंट एबल टू, आई एंट एबल टू अवेक होल नाइट। तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस। गाइस नेगेटिव सेंटेंस के बाद आता है हमारा क्वेश्चन सेंटेंस। क्वेश्चन, जब हम किसी से उसकी एबिलिटी पूछेंगे, अगर मैं अपने आप से मेरी एबिलिटी पूछूंगा तो क्वेश्चन होगा एम आई एबल टू, आपसे पूछूंगा तो आर यू एबल टू, वी से आर वी एबल टू, ही सब्जेक्ट से इज ही एबल टू, एनी गर्ल से इज शी एबल टू, थर्ड पर्सन से आर दे एबल टू। ठीक है, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, चूंकि आप अभी मुझे सुन रहे हैं, अगर मैं आपकी एबिलिटीज पूछता हूं तो क्वेश्चन होगा आर यू एबल टू, आर यू एबल टू, आर यू एबल टू वॉक, क्या आप चल पाते हैं? ऑब्वियस अगर आंसर पॉजिटिव है तो क्या होगा आंसर? यस आई एम एबल टू वॉक। आपको प्रैक्टिस करना है गाइस। तीन सेशन होते हैं लैंग्वेज में, ट्रेनिंग सेशन, प्रैक्टिस सेशन, स्पीकिंग सेशन। हमारा ट्रेनिंग सेशन हो गया है, आपने इज एम आर एबल टू का यूज सीख लिया है, अब यू नीड टू प्रैक्टिस। अब जब तक इसकी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये माइंड में बिल्ड नहीं होगा। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ड्रिलिंग्स के थ्रू। किसके थ्रू? ड्रिलिंग्स के थ्रू। ये है क्वेश्चन ड्रिलिंग, जिससे मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर्स देना है। जैसे आर यू एबल टू वॉक, क्या आप चल पाते हैं, वॉक कर पाते हैं? अगर आंसर यस है तो क्या होगा आंसर? यस आई एम एबल टू वॉक। नो है तो नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, नेगेटिव एक्सप्रेशन, और क्या बोलेंगे? नो आई एंट एबल टू वॉक। ऑब्वियसली सभी का आंसर यस ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू एबल टू सिंग अ सॉन्ग इन हिंदी, आर यू एबल टू सिंग अ सॉन्ग इन हिंदी, क्या आपको हिंदी में गाना गाते आता है, क्या आप गा पाते हो हिंदी में गाना? अगर आंसर यस है तो क्या होगा आंसर? यस आई एम एबल टू सिंग अ सॉन्ग इन हिंदी। नहीं है तो नो, नो आई एंट एबल टू सिंग अ सॉन्ग इन हिंदी। आर यू एबल टू सिंग अ सॉन्ग इन इंग्लिश, अगर आप स्टेट फर्स्ट के स्टूडेंट हैं तो आपका आंसर ऑब्वियस है, डेफिनेटली यस होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंग्लिश सॉन्ग्स की ट्रेनिंग होती है, सॉन्ग सेशन होते हैं। तो आपका आंसर होगा यस आई एम एबल टू सिंग अ सॉन्ग इन इंग्लिश, और नहीं आता है तो नो आई एंट एबल टू सिंग अ सॉन्ग इन इंग्लिश। सो गाइस एक फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन सेशन लेते हैं, मैं आपसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। आर यू एबल टू, आर यू एबल टू लिसन मी वेल, आंसर देना है। ठीक है, आर यू एबल टू स्पीक संस्कृत, आर यू एबल टू कुक फूड, आर यू एबल टू अवेक होल नाइट, पूरी रात जाग पाते हैं आप? फिर से आर यू एबल टू अवेक होल नाइट, आर यू एबल टू राइड बाइक, आर यू एबल टू राइड बाइक वेरी फास्ट। देखिए बाइक चलाना और फास्ट चलाना दोनों में डिफरेंस है। सो आर यू एबल टू राइड बाइक वेरी फास्ट, आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो गाइस जो भी स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, मैं अधिकतर देखता हूँ कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि नीचे कमेंट बॉक्स में आपके सेंटेंस लिखिए। प्लीज़ गाइस अगर आप इस सेंटेंस नहीं बनाएंगे तो इससे दो चीज़ें होगी, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी और हमें नहीं पता चलेगा कि आपको लेक्चर समझ में आया या नहीं समझ में आया। फिर से बता रहा हूँ, ट्रेनिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट? प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो नीचे सेंटेंसेस में बताइए, जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं अभी आपसे, आपने ओरल में आंसर दिए होंगे, ये आंसर आप रिटर्न में लिखिए। फिर से कुछ क्वेश्चन, आर यू एबल टू सिंग अ सॉन्ग इन इंग्लिश, आर यू एबल टू रीड न्यूज़पेपर इन इंग्लिश, आर यू एबल टू रन वेरी फास्ट। तो गाइस ये था आज का लेक्चर हमारा अपर बेसिक लेवल का, इज एम आर एबल टू। ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स को सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का नाम है स्टेट फास्ट इंग्लिश क्लब, और इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लवर्स को शेयर कीजिए जिन्हें इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश टू इंग्लिश, क्योंकि स्टेट फास्ट में आपको सीखने को मिलता है इंग्लिश टू इंग्लिश, ना कि हिंदी टू इंग्लिश। अभी के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, वन चेंज कैन चेंज योर लाइफ।